हेलो फ्रेंड्स, दिस इज अभिषेक सक्सेना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसईओ पाठशाला। तो फ्रेंड्स, आपको पता है कि ई कॉमर्स की प्लेलिस्ट चल रही है कि हम ई कॉमर्स एसईओ कैसे करते हैं। तो जो मेरा पहला वीडियो था वो था कि डिफरेंस बिटवीन ई कॉमर्स एंड नॉर्मल एसईओ, कि कैसे एक नॉर्मल एसईओ और ई कॉमर्स एसईओ में फ़र्क होता है। तो आई बटन में आप उसका वीडियो देख सकते हैं। फिर मेरा लास्ट वीडियो था कि हम कैटेगरी पेजेस के लिए कीवर्ड रिसर्च क्या करते हैं, क्या इंटेंट होनी चाहिए, यूज़र की क्या इंटेंट हो सकती है, हम उसके पॉइंट ऑफ व्यू से हमने डिस्कस करा था, और प्लस कैटेगरी पेज का स्कीमा डिस्कस करा था। तो आई बटन में आप उसका वीडियो भी देख सकते हैं। आज हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट पेज एसईओ। कैटेगरी पेजेस के बाद अब हम आ गए प्रोडक्ट पेज एसईओ पे, कि प्रोडक्ट पेज का अगर एसईओ करना हो, कोई एक हमारा टारगेट प्रोडक्ट पेज है जो, या टारगेट प्रोडक्ट इन द सेंस कि कोई प्रोडक्ट सबसे ज़्यादा सेल हो रहा है, डिमांड में है, और हमें अपने वेब पेज को उसके लिए ऑप्टिमाइज करना है, तो प्रोडक्ट पेज एसईओ कैसे करेंगे ई कॉमर्स वेबसाइट में, ठीक है। या कोई या कोई सर्विस है हमारी काइंड ऑफ, तो उसको कैसे टारगेट करेंगे। अभी हम आज बात करेंगे प्रोडक्ट पेज एसईओ की। तो देखो, लिखा है गोल ऑफ अ प्रोडक्ट पेज इज कन्वर्जन एंड द पर्पस ऑफ द कैटेगरी पेज इज टू रीडायरेक्ट टू प्रोडक्ट पेज नॉट अ कन्वर्जन। प्रोडक्ट पेज का गोल क्या होता है फ्रेंड्स, एड टू कार्ट। कभी भी आपने देखा होगा कैटेगरी पेज पर नहीं लगा होता, हमेशा लगा होता प्रोडक्ट पेज पर। वहाँ पर भी बहुत सारे कैटेगरी, मतलब कैटेगरी जो पेजेस होते हैं वहाँ पर आपको बताया जाता है कि भाई ये सारे प्रोडक्ट हैं। आप जब उस पर पर्टिकुलर क्लिक करते हो तो फिर आप उस डेडिकेटेड प्रोडक्ट पेज पे पहुँचते हो। फिर वहाँ पे आपके पेमेंट गेटवे होते हैं, जो ऑफर्स होते हैं, जो भी होते हैं, ब्ला ब्ला, आप वहाँ पे जाके कर सकते हो। तो वो हो गया आपका प्रोडक्ट पेज। और कैटेगरी का होता है गोल क्या होता है, जैसे किसी ने लिखा बाय सैमसंग फ़ोन। अब सैमसंग फ़ोन जो लेटेस्ट होंगे वो सारे आ गए, लेकिन जब हम गए तो हमने देखा सैमसंग गैलेक्सी 24 है, मॉडल है। जब हम उस पर क्लिक करेंगे तो हम डेडिकेटेड प्रोडक्ट पेज पे पहुंचेंगे, तो फिर वहां से हम उसको परचेज कर सकते हैं। तो इसमें दो चीज़ होती है, एक तो एसईओ होता है, एक होता है सीआरओ, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन। सीआरओ फ्रेंड्स यूज़ किया जाता है प्रोडक्ट पेज के लिए, कि कैसे हम अपने प्रोडक्ट पेज का सीआरओ किस तरीके से बढ़ाएं, कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन कैसे करें। तो प्रोडक्ट पेज के जो एसईओ होते हैं वो दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं, एक एसईओ प्लस सीआरओ, ठीक है। फोर्थ पॉइंट इसका फ्रेंड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, कि चेक वॉल्यूम ऑफ द कीवर्ड फॉर विच वी वॉन्ट टू रैंक आर प्रोडक्ट ऑन सर ऑन टूल्स लाइक सैमरश, HREF, कीवर्ड प्लानर, ऊबर सजेस्ट एंड सो ऑन, ठीक है। तो हमें ये भी चेक करना पड़ता है कि जो हमारा जो कीवर्ड है, जो प्रोडक्ट हम टारगेट कर रहे हैं उसका कीवर्ड है, उसकी वॉल्यूम भी है या नहीं है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल बात करते हैं कि जैसे ये मेरा प्रोडक्ट था, मैंने क्वेरी डाली सैमसंग S24, ठीक है, मैंने एक क्वेरी डाली। अब मैं इसकी वॉल्यूम चेक करता हूँ, तो हम इसकी वॉल्यूम चेक करें फ्रेंड, थोड़ा नेट स्पीड स्लो है, इट विल टेक टाइम कि हम कीवर्ड ओवरव्यू देखते हैं सैमरश में, इसकी वॉल्यूम देखते हैं क्या है। ठीक है, मैंने कीवर्ड डाला, इंडिया का ही ले लेते हैं, ये तो खैर यूएसए का सिलेक्ट था, ठीक है, मैंने इंडिया सेलेक्ट करा। अब देखते हैं सैमसंग S24 की वॉल्यूम क्या चल रही है फ्रेंड। देखिए वॉल्यूम कितनी चल रही है, 301.0 के अराउंड, मतलब टोटल वैल्यू एंड वेरिएशन से 1.2 मिलियन चल रही है, ठीक है। कीवर्ड डिफिकल्टी 87% है। अगर आप देखा जाए तो इससे रिलेटेड ही कीवर्ड है सैमसंग S24 Ultra, सैमसंग गैलेक्सी S24, ठीक है, ये सारे हमारे यहाँ पे कीवर्ड्स आ गए। अब इंपॉर्टेंट क्या है फ्रेंड्स, ये देखिए कीवर्ड स्ट्रेटजी यहाँ बन के आ गई, एक नया फीचर ऐड हुआ है यहाँ पे, कीवर्ड स्ट्रेटजी आ गई, ठीक है। अब एक चीज़ तो डिसाइड हो गई कि भाई इसकी वॉल्यूम अच्छी है तो हम इस कीवर्ड का पेज, प्रोडक्ट पेज एसईओ कर सकते हैं। कई बार फ्रेंड्स क्या होता है ना कि प्रोडक्ट पेज हमें बनाने चाहिए, लेकिन हमें उन पर टाइम वेस्ट ना करने की बजाय कैटेगरी पेज पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि कई बार किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट का वो वॉल्यूम नहीं होता, ठीक है, हमने उसे कैटेगराइज कर दिया अपनी कैटेगरी पेजेस पे, लेकिन क्या है उसकी उतनी डिमांड नहीं है। जैसे कहते हैं ना फ्रेंड्स, बहुत छोटी सी बात बोलूँगा कि आपने देखो किसी दुकान में आप देखते हो, जाते हो कि यार यहाँ तो बहुत सारा सामान रखा है। एक किराना स्टोर की बात करता हूँ मैं, ये किसी मॉल की बात करता हूँ कि यार यहाँ तो बहुत सारा सामान रखा है, तो ये क्या सारा सेल आउट होता है? वो होता क्या है कि दुकानदार रख लेता है। वो दुकानदार क्यों रखता है कि जब कस्टमर उसकी दुकान पर आए तो एक इंप्रेशन
उस कस्टमर से और कस्टमर में जाए कि भाई यहाँ पे कुछ भी मांगोगे ना वो मिलता है। तो फिर एक दिन मैंने भी एक दुकानदार से पूछा था कि भैया आप ये सारा सामान रखते हो तो बिकता नहीं है, तो उन्होंने बोला कि जो हमारा जिससे हम परचेज करते हैं वो कहता है अगर ना हो तो आप हमें वापस कर देना, ठीक है ये ऑप्शन होता है। तो बात क्या है कि ऐसे ई कॉमर्स साइट होते हैं वो क्या करेंगे ना, वो जितने प्रोडक्ट होंगे ना वो अपने लिस्ट करेंगे और फिर आप उस प्रोडक्ट पर क्लिक करोगे तो आप उस डेडिकेटेड पेज पर जाओगे। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है ना कि ज़रूरी नहीं है कि वो सेल हो या उसकी डिमांड हो, क्या पता उसकी वॉल्यूम ही 20 हो, 50 हो, 60 हो। अब जब 50 और 60 वॉल्यूम है, अगर आप उसको ना फ्रेंड्स मैं बता रहा हूँ उसका कंपटीशन कम है ना और 50-60 वॉल्यूम है, तो मार्क माई वर्ड अगर आप उसका अच्छे से मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन ऑप्टिमाइज कर दोगे ना, यूरो ऑप्टिमाइजेशन कर दोगे और आप 4-5 बैकलिंक बना दोगे ना महीने में भी, तो आप देखना कम वॉल्यूम वाला कीवर्ड भी रैंक कर जाता है। कई बार कहा नहीं जाता है वाली बात कि यार ये कीवर्ड तो रैंक कर रहा है पर ट्रैफिक क्यों नहीं आ रहा, वो ट्रैफिक क्यों नहीं आता क्योंकि उस कीवर्ड की डिमांड ही नहीं है। इस तरीके से होता है, उस प्रोडक्ट पेज की डिमांड नहीं है तो उस पर आप मेहनत क्यों कर रहे हो, आप मेहनत उस पर करो ना जिसकी डिमांड है। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है। अगर मैं आपको इसी में बताऊं कि ट्राई करके देखते हैं, खैर ये हो गया ना हो, जैसे मैं अगर बात करूं नोकिया नोकिया आप अगर देखा जाए नोकिया लूमिया देखते हैं, ये आपको बताओगे एक फ़ोन आया करता था आज से कुछ साल पहले, 10 साल पहले भी, तो इसकी वॉल्यूम भी खैर बड़ी अच्छी है नोकिया लूमिया की। या नोकिया का अगर आप कीपैड फ़ोन देखते हैं जिसकी वॉल्यूम क्या होगी, इसकी वॉल्यूम ठीक ठाक है, 40,000 है फॉर एग्ज़ाम्पल, वो भी थोड़ी मिलियंस में थी। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देना चाह रहा हूँ कि जैसे न्यू कीपैड फ़ोन या इसके और भी देखते हैं, जो मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे आप देख लीजिए एक मिनट देखते हैं कि कोई तो ऐसा होगा जिसकी वॉल्यूम कम होगी, मिलियंस में नहीं होगी। तो मेरे को एक आपको समझाना है कि एक ई कॉमर्स वेबसाइट होगी, एक दुकान होगी, वो तो भाई सारे आइटम रखेगा कि कस्टमर कोई सा भी हो सकता है। कस्टमर एक 60 साल के अंकल भी हो सकते हैं, एक यूथ भी हो सकता है। तो अंकल जब उस दुकान पर आएंगे तो वो चाहते हैं कि कस्टमर उनसे वापस ना जाए, ऐसे वो अगर ई कॉमर्स वेबसाइट पे जाएंगे कि वापस ना जाए, उनको वो प्रोडक्ट मिले। लेकिन आपको पता है कि आज कीपैड कौन यूज़ कर रहे हैं, कोई भी नहीं करता, या जो लोग बिल्कुल स्मार्टफोन में नहीं जाना चाहते तो वो यूज़ कर लेते हैं, या कुछ लोग इसलिए यूज़ करते हैं कि आजकल चोरी बहुत हो रही है तो हम रख लेते हैं फॉर अ टाइम। तो आप देख सकते हैं जैसे ये है नोकिया कीपैड फ़ोन ओल्ड मॉडल, 1600 इसकी वॉल्यूम है महीने की, 20 कीवर्ड डिफ़िकल्टी है, ठीक है आप देख लो। तो लेटेस्ट कीपैड फ़ोन मान लीजिए ये है तो 720 वाले, तो आप इस पर थोड़ा सा भी बैकलिंक बनाओगे ना और अगर इस कीवर्ड को अपने मेटाटाइटल मेटाडिस्क्रिप्शन डालते तो वो रैंक कर जाएगा। तो आपको ये पॉइंट क्लियर होगा कि ए वॉल्यूम इज़ नॉट दैट गुड, सो वी शुड स्टॉप वेस्टिंग अवर टाइम इन दैट केस, मिनिमम एफर्ट्स गिव मैक्सिमम रिजल्ट। ये मैंने क्यों लिखा, वॉल्यूम अच्छी नहीं तो टाइम वेस्ट मत करो। इस केस में ये हो सकता है कि आपके मिनिमम एफर्ट्स होंगे ना, मेटाटाइटल मेटाडिस्क्रिप्शन अच्छा लिखोगे, वॉल्यूम उसकी मान लो 500 है तो भी वो रैंक कर जाएगा, 2 दिन आपने बैकलिंक बना दी तो भी वो रैंक कर जाएगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखना है कि हमें प्रोडक्ट पेज एसईओ करते समय ये जरूर ध्यान रखना है, क्योंकि कैटेगरी पेज में तो सारे पेज काफ़ी सारे प्रोडक्ट लिस्ट होंगे, लेकिन हम उन्हीं प्रोडक्ट जो लिस्ट प्रोडक्ट में से 100 है तो 100 में से आप 50 ही ऐसे होंगे जिनकी वॉल्यूम हाई होगी, 30 उससे कम, 20 उससे कम, 10 उससे कम और 500 NA होगा, तब भी उन्होंने रखा हुआ है कि कोई भी आए एटलीस्ट कुछ भी ढूंढे, ऑर्गेनिक ट्रैफिक तो आए वेबसाइट पर और वो बंदा वो लेने आएगा, क्या पता उसे और चीज़ पसंद आ जाए। तो ये होता है। उसके बाद है बी अलर्ट दैट वाइल कीवर्ड मैपिंग और चूजिंग समटाइम्स कैटेगरी एंड प्रोडक्ट पेज कंपीटिंग ईच अदर। ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा है, कीवर्ड कैनिबलाइजेशन इशू, ये मेरा वीडियो है आप आई बटन में जाके देख लीजिएगा, मैंने बना रखा है और मैं इसको अभी दिखाया था अपनी करंट वेबसाइट से। अब मैं ऑन पेज एसईओ चेकर में गया, मैंने ये पेज डाला तो मुझे एसईओ स्ट्रेटजी में एक मिला फिक्स कीवर्ड कैनिबलाइजेशन, ठीक है, कि ये बोल रहे हैं पॉइंट लोबो स्टेट नेचर ऑल रिजर्व गिब्सन बीच, पॉइंट लोबो स्टेट नेचर ऑल रिजर्व गिब्सन बीच। ये दो कीवर्ड इन दो पेज के लिए, ये एक ही कीवर्ड है इन दो, ये दो पेज इसके लिए कंपीट कर रहे हैं। ये दोनों पेज मैंने खोल लिए, ये हमारा ओरिजिनल पेज है पॉइंट लोबोस स्टेट नेचर रिजर्व गिब्सन बीच, ठीक है। ये जो पेज है ये अलग पेज है, लेकिन क्या करा हुआ है इसने, अगर आप यहाँ देखो, अगर आप साइड में देख रहे हो तो ये पीछे वाला पेज ही दिखा रहा है कि पॉइंट लोबो स्टेट नेचुरल रिजर्व गिब्सन बीच, ठीक है। अगर मैं इसको ओपन भी कर लूँ तो ये वही पेज ओपन होगा जो ये वाला हमारा है, ठीक है, देख लीजिए।
तो ये क्या हुआ, कहीं ना कहीं मैं आपको ये एग्जांपल इसलिए लिया कि जैसे मैंने वहाँ पॉइंट लिखा था, ये गिब्सन बीच, ये और ये पेज सेम ही है, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, ठीक है। अब बात आ गई कि मैंने एग्जांपल क्यों लिया, मैंने एग्जांपल इसलिए लिया कि मैंने यहाँ पे लिखा है कि कई बार क्या होता है जब हम कीवर्ड मैपिंग कर रहे थे, हम कैटेगरी और प्रोडक्ट पेज में सेम कीवर्ड मैप कर देते हैं या दोनों में इनकॉर्पोरेट सेम कीवर्ड करते हैं, तो उससे क्या होगा, फॉर एग्जांपल ये मेरा डेडिकेटेड पेज था, मान लो ये प्रोडक्ट पेज था, ये मेरा एक ऐसा ही पेज था कैटेगरी पेज, ये भी एक पेज मतलब एक प्रोडक्ट पेज, ये भी एक डिफरेंट है, लेकिन आप देखो कि इन्होंने यहाँ लिस्टिंग करी हुई ना, मतलब इन्होंने बताया कि और भी नियर बाय बीचेज हैं, तो उसमें पहला प्रोडक्ट ही इन्होंने गिब्सन बीच का ले रखा है, तो उससे क्या हो गया कि एक क्या वो पहुँचा कि ये मान लीजिए ये हमारा कैटेगरी पेज था, ये डेडिकेटेड पेज था, ये दोनों सेम यूज़ कर रहे थे, गूगल ने और सैमरश ने क्या करा, सजेशन दिया कि भाई इन दोनों कीवर्ड, ये दोनों कीवर्ड पे दोनों पेज आपस में कम्पीट कर रहे हैं, एक 16 पोजीशन पे, एक 37। अब आपको देखना है कि आपको किसको हटाना है किसको नहीं हटाना। आप देख लीजिए डेडिकेटेड पेज है गिब्सन पेज जो 16 पे कर रहा है और ये 37 पे कर रहा है, ये है हमारा कैटेगरी वाला पेज। फॉर एग्जांपल इन्होंने लिखा 301 भी लगा सकते हो, अगर मैं इस पेज पर 301 लगा दूंगा ना तो ये रैंकिंग और अच्छी बढ़ जाएगी, कंपटीशन बंद हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये बात हो गई, आपको ये मैंने दो एग्जांपल लिए, ये मैंने समझाने के लिए क्या लिए थे कि हमें जब कीवर्ड मैपिंग करनी है तो बहुत ध्यान रखना है कि हम कैटेगरी में वो प्रोडक्ट, कैटेगरी में वो कीवर्ड्स यूज़ ना कर दें, इनकॉर्पोरेट ना कर दें जो हमने एक डेडिकेटेड प्रोडक्ट पेज बना रखा है, वहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। कई फिर होगी क्या प्रॉब्लम, जो की क्या पता हम चाहते हो कि कैटेगरी वाला पेज रैंक करे प्रोडक्ट वाला ना करे, और क्या पता प्रोडक्ट वाला रैंक कैटेगरी वाला रैंक करो प्रोडक्ट वाला ना करे, प्रोडक्ट वाले की अच्छी वॉल्यूम है कैटेगरी में तो बहुत सारे हम चाहते हैं प्रोडक्ट सेल हो, पर कैटेगरी वाला उससे ऊपर आ रहा है, वो 10 पे आ रहा है, वो 8 पे आ रहा है, या वो 6 पे आ रहा है, वो 3 पे आ रहा है, ठीक है। तो ये कैनिबलाइजेशन इशू है, इसका वीडियो भी आप देख सकते हैं। फिर है अवॉइड लिस्टिंग सेम प्रोडक्ट्स इन डिफरेंट कैटेगरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेंड्स पॉइंट है कि प्रोडक्ट एसईओ करते समय हमें ध्यान रखना है कि हम सेम प्रोडक्ट्स ना डिफरेंट कैटेगरीज में ना लिस्ट कर दें। जैसे इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स है, अब मोबाइल क्या है, मोबाइल भी एक हमारा अगर देखा जाए तो ये गैजेट्स में आ जाता है, लेकिन अब किसी एक स्टोर पे एक लिस्ट हुआ कि सैमसंग का टीवी है, आपका सैमसंग के फ्रिज हो गए, वॉशिंग मशीन काइंड ऑफ हो गए, अवन वगैरह हो गए, और वहाँ पे गलती से फ़ोन भी आपने कर दिया, तो वो थोड़ा सा ध्यान रखना सेम टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स में डिफरेंट कैटेगरी में ना हो, ठीक है। उसके बाद पे अटेंशन टू एक्सपायर्ड और डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट, ये फ्रेंड्स बहुत अच्छा पॉइंट है, इस पर हमें बहुत रखना है, ये बाउंस रेट को बढ़ाएगा, तो बाउंस रेट कम करने के लिए हमें ध्यान रखना है कि जो प्रोडक्ट हमारे डिसकंटिन्यूड या एक्सपायर्ड है तो वहाँ पे लिखना है आउट ऑफ स्टॉक, तो इससे क्या होगा ऐड टू कार्ट में वो ऐड नहीं होंगे। या एक काम कर सकते हैं मेंशन और मार्क आउट ऑफ स्टॉक, जैसे मैंने बोला आउट ऑफ स्टॉक का आप वहाँ पे मार्क कर सकते हो, आपसे अनब्लर कर सकते हो, ब्लर होता है ना थोड़ा सा कि वो हाईलाइटेड होते हैं नॉन हाईलाइटेड, और यू मेंशन लिंक ओवर देयर अल्टरनेटिव ऑफ द प्रोडक्ट, या ये कर सकते हो उन प्रोडक्ट पेजेस पे जो डिसकंटिन्यूड और एक्सपायर्ड हैं वहाँ पे आपने लिंक दे देना है, उसको क्लिक करके जैसे वो कहते हैं ना आपका वो 404 बनता है कस्टम 404 पेज, कि कंज्यूमर आए तो वहाँ पे कहीं ना कहीं एक होम पेज का बन जाए हमारा, ताकि बाउंस रेट ना बढ़े, कहीं ना कहीं उसके थ्रू वो किसी और पेज पे चला जाए हेडर फुटर के थ्रू। ऐसे ही जो एक्सपायर्ड और डिसकंटिन्यूड प्रोडक्ट्स होंगे वहाँ पे अगर हम कोई लिंक दे देंगे ऑल्टरनेट प्रोडक्ट का, जैसे मतलब कोई बंदा फ़ोन परचेज करने आया सैमसंग का या कोई, वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया, पर नीचे अगर हमने रिलेटेड सेक्शन दे दिया रिलेटेड आइटम या पीपल ऑल्सो व्यूड ये करके, तो क्या होगा वो उस पर क्लिक करके उसके प्रोडक्ट पेज पर चला जाएगा, वो नहीं तो वो दूसरा परचेज कर लेगा, या एटलीस्ट हमारा सेशन एक बन जाएगा और हमारा ऑर्गेनिक ट्रैफिक बढ़ेगा कहीं ना कहीं, वो मेरा पॉइंट था, ठीक है, ये कर सकते हैं। 10th है मेटा टाइटल फॉर प्रोडक्ट पेज, इंक्लूड टारगेट कीवर्ड्स, मॉडल नंबर, मैन्युफैक्चरर, ब्रांड नेम, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है फ्रेंड्स। अब आ गए ऑन पेज की बात, प्रोडक्ट पेज एसईओ में अब आ गए ऑन पेज एसईओ की बात, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप कोशिश करिए अपने टाइटल जो है पेज का, प्रोडक्ट पेज का, उसमें टी कीवर्ड इंक्लूड कीजिए, मॉडल नंबर कीजिए, मैन्युफैक्चरर कीजिए, ब्रांड नेम कीजिए। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये पेज लिया, ठीक है, ये पेज तो मेरा डेडिकेटेड था सैमसंग गैलेक्सी S24 का, ठीक है। तो आप देखो अगर मैं इस वाले एक्सटेंशन पर जाता हूँ तो देखो इन्होंने लिखा है न्यू सैमसंग गैलेक्सी S24, कलर्स, प्राइस, रिव्यूज़, और लास्ट में ब्रांड नेम ले लिया, ठीक है। मैन्युफैक्चरर तो यहीं आ गया सैमसंग गैलेक्सी है ना, और ये मॉडल भी आ गया सैमसंग सा, ठीक है। प्राइस रिव्यूज़ आ गया वेरिजोन करके आ गया, ये हो गया ब्रांड नेम जो इस जो ये वेबसाइट का ब्रांड है हमने यूज़ कर लिया, ठीक है, इस तरीके से।
उसके बाद है मेटा डिस्क्रिप्शन, मेटा टाइटल फॉर द प्रोडक्ट पेज इंक्लूड, सॉरी माय बैड, 11th पॉइंट है प्रिपेयर प्रोडक्ट एक्सप्लेनेटरी मेटा डिस्क्रिप्शन, कि जो हमारा डिस्क्रिप्शन होना चाहिए ना मेटा डिस्क्रिप्शन, वो प्रोडक्ट एक्सप्लेनेटरी हो। अब इन्होंने फॉर, तो इन्होंने क्या करा है कि इन्होंने थोड़ा सा इसमें कीवर्ड यूज़ करा दिमाग लगा के, इन्होंने डिस्क्रिप्शन में एक्सप्लेन नहीं करा प्रोडक्ट को, बट इन्होंने लिख दिया बाय न्यू सैमसंग गैलेक्सी Z4 एट वेरिजोन, लर्न मोर अबाउट द लेटेस्ट सैमसंग स्मार्टफोन फीचर्स एंड प्राइसिंग इन्फॉर्मेशन। इन्होंने यहाँ लिख दिया, लेकिन हम यहाँ पे लिख सकते थे इसे और अच्छा बनाने के लिए बाय न्यू सैमसंग गैलेक्सी S24 एट वेरिजोन हैविंग बैटरी लाइफ लिख दी हमने विद 128 GB एम्बर येलो इन कलर हैविंग जो अगर यहाँ पे अगर स्टोरेज की बात चल रही है, बैटरी की बात चल रही है 36 मंथ्स का, ये तो खैर वो हो गया, दूसरी चीज़ हो गई। फ्री 2 डे शिपिंग लिख सकते हैं हम इसमें, या हम स्पेसिफिकेशन का कुछ थोड़ा सा इसमें ऐड कर सकते हैं अच्छा सा, कि AI है, सुपर चार्जिंग है, सुपर चार्ज गेमिंग है, काइंड ऑफ दिस, कि ये सब चीज़ें हैं, डाटा केबल टाइप थोड़ा सा हम इसमें लेंथ भी ऐड कर सकते हैं कि बाय न्यू सैमसंग गैलेक्सी S24 इन लेंथ 2.7 सेंटीमीटर इंच विद हाइट ऑफ 5.79 इंच और विद डेप्थ ऑफ 0.3 लाइक दिस विद अ लाइट वेट ऑफ 5.93 OZ एंड यू एंड चार्जर पॉइंटेड सी टाइप। ठीक है, हम ये भी कर सकते थे, इन्होंने कराए तो भी फेयर इनफ है, क्योंकि तो इनका ये वाला रिजल्ट जो आ रहा है ये और भी इनहेंस हो सकता था। इनका ये वाला रिजल्ट कितने पे आ रहा है, नंबर 9th पे आ रहा है, तो चांसेस हैं फ्रेंड्स, स्कोप है, ठीक है, कि हम इसको और इम्प्रूव कर सकें। उसके बाद है हमारा URL कंटेंट्स प्रोडक्ट कीवर्ड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप URL ऑप्टिमाइजेशन भी कह सकते हो, कि जो URL है ना वो प्रोडक्ट कीवर्ड कंटेंट्स होना चाहिए। तो आप जैसे इसमें देख सकते हो, इस पेज पे हम गए तो देखो इन्होंने लिखा हुआ है सैमसंग गैलेक्सी S24, ठीक है, कैटेगरी क्या थी इनकी, स्मार्टफोन्स की कैटेगरी थी। अगर मैं यहाँ पीछे जाता हूँ, जैसे एंटर मारता हूँ, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे हम आ गए, यहाँ पे कहीं ना कहीं देखिए ये वाला पेज मतलब लिस्ट था और इससे ही हम गए, तो ये कैटेगरी पेज हो गया हमारा। और देखिए कैटेगरी पेज पे काफ़ी सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं, ठीक है। अब मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा तो मैं इस पेज पे पहुंच जाऊंगा, जो ये वाला हमारा पेज है, ठीक है। तो ये समझ आएगी जो URL ऑप्टिमाइजेशन होती है उसमें कहीं ना कहीं प्रोडक्ट का नाम आना चाहिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। हाई क्वालिटी इमेज विद प्रॉपर ऑल टेक्स्ट, देखिए हाई क्वालिटी इमेज है, ठीक है, ऑल टेक्स्ट देखिए। अब मैं यहाँ पे जाता हूँ, इन्होंने ऑल टेक्स्ट भी इसमें अच्छा सा यूज़ करा हुआ है। इमेजेस में जाइए, खैर ये इमेज है, अगर हम यहाँ पे गए देखिए सैमसंग यूरेका E1 एम्बर येलो सी करके इन्होंने लेबल लिखा, सैमसंग गैलेक्सी S24 एम्बर येलो इमेज 3:9। देखिए प्रॉपर तरीके से इन्होंने एक इमेज को एक्सप्लेन करा हुआ है कि एम्बर येलो करके इमेज है E1 जो भी इनका कुछ होगा, ठीक है। ये सेकंड हो गया B, ये फ़ोन का फ्रंट और बैक दोनों प्रॉपर दिख रहे हैं, तो सैमसंग गैलेक्सी S24 एम्बर येलो इमेज, ठीक है। इसको और अच्छे से एक्सप्लेन किया जा सकता था फ्रेंड्स, इसमें आप यहाँ पे लिख सकते थे सैमसंग गैलेक्सी S24 एम्बर येलो इमेज हैविंग बैक एंड फ्रंट व्यू, ये आप लिख सकते थे, ये और बहुत बढ़िया ऑल टेक्स्ट हो सकता था। तो ये परफेक्ट एग्जांपल है एक प्रोडक्ट पेज का, जो कि सारी चीज़ें जो मैंने पॉइंट्स बनाए उन पे खरा उतर रहा है, ठीक है। अब क्या है, इमेजेस हो गया, यूज H1 H2 H6 विद सिमेंटिक ऑफ टारगेट प्रोडक्ट कीवर्ड्स। ये फ्रेंड बहुत अच्छा पॉइंट है कि हम इस पे गए, हम हेडर्स पे गए, तो H1 क्या है इनका, सैमसंग गैलेक्सी S24 है, बाकी इन्होंने H2 वगैरह ही साइड लिए फीचर्स वगैरह लिखने के लिए ले लिए, ठीक है। अगर आप नीचे वाले देखो लास्ट में सैमसंग गैलेक्सी S24 रिव्यूज़, इन्होंने कहीं ना कहीं सीमेंटिक यूज़ करा कि रिव्यूज़ में यूज़ कर लिया, ठीक है। सैमसंग गैलेक्सी S24 FAQs, ठीक है, मतलब आपको अपने जो हेडिंग टैग्स है ना H1 H2 H3 H4 H5 6 उनको बहुत स्मार्टली यूज़ करना है। अब आप यहाँ पे भी लिख सकते थे सैमसंग गैलेक्सी S24 रिव्यूज़, ठीक है, लिख सकते थे, ठीक है। पर इन्होंने क्या करा, बाकी सब H2 में क्या कर दिया, उनके स्पेसिफिकेशन लिख दी, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कि बाकी आप जैसे H1 में लिख दिया, H2 में लिख दिया, फिर H3 H4 में आप उनकी स्पेसिफिकेशन लिख सकते हो, सुपर चार्ज गेमिंग, ठीक है, डिज़ाइन, एक्सेसिबिलिटी, एडिशनल फीचर्स, कैमरा, परफॉर्मेंस, यहाँ आप लिख सकते हो सैमसंग गैलेक्सी S24 परफॉर्मेंस, ठीक है। और ये वाला कीवर्ड कितनी बार आया है, ये भी हमें ध्यान रखना है कि कीवर्ड स्टफिंग ना हो जाए, ज़्यादा ना हो जाए। देखिए 2 बार यूज़ करा, देखिए आप कि यहाँ पे अभी गुंजाइश है कि ये यूज़, ये ब्रांड है फ्रेंड, तो ये हो गया,
लेकिन इन्होंने एक स्मार्ट वे इसलिए रखा है, इनके पास कंटेंट उस हिसाब से नहीं है जिस हिसाब से होना चाहिए, तो ही अब अगर मैं देखिए ये बहुत स्मार्ट मूव है कि कई बार क्या होता है हम इसको ओपन रखते हैं कई बार क्लोज रखते हैं, इसे क्लोज कराना। अब ये सारे अगर मैं ओपन कर दूँ ना फ्रेंड्स, अगर अभी जैसे मैंने पहले ही ओवरव्यू ओपन करा है, अगर मैं यहाँ देखूँ ना, देखिए 6 टाइम दिखा रहा है, 1 2 3 ओवरव्यू में भी दिखा रहा है, ठीक है। तो ये है कि आपको किस तरीके से यूज़ करना है अपने कीवर्ड को, ठीक है। यूज़ पीपल ऑल्सो आस्क सेक्शन FAQ और अलॉन्ग विद FAQ स्कीम है। तो फ्रेंड्स पीपल ऑल्सो आस्क फॉर और एक FAQ स्कीम, आपको पता है सेक्शन होता है। तो फ्रेंड्स बात क्या है कि आज से एक साल पहले एक आया था कि, मतलब गूगल के एल्गोरिथम आए थे कि गूगल का जो क्रॉलर्स हैं वो FAQ स्कीमा को रीड नहीं करते। लेकिन अब क्या हुआ, कुछ लोगों ने बोला कि फिर क्या फ़ायदा है, लेकिन मैं फ्रेंड्स ये बोलूँगा कि FAQ सेक्शन हटाइए मत। उन्होंने ये नहीं, उन्होंने बोला है क्रॉलर स्कीमा नहीं पढ़ रहा, पर कहीं ना कहीं उस FAQ से हमारे पास ट्रैफिक तो आ रहा है। मैंने अपने कई वीडियोस में बोला है, मैं आपको बोल सकता हूँ मेरे से गलती थी, मैंने कई वीडियोस में बोला है कि FAQ सेक्शन अब मतलब वो वैल्यू नहीं रही है, वो चीज नहीं रही है। लेकिन अब देखिए FAQ बदल गया तो पीपल ऑल्सो आस्क आ गया, ठीक है, या पीपल ऑल्सो टॉक अबाउट, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो सिमिलरिटी हैं। तो ये सेक्शन भी हमें ऐड करना चाहिए, जो कि इसमें ऐड है इस पेज में नीचे की तरफ अगर आप जाओगे, देखिए ये FAQ सेक्शन उन्होंने ऐड करा हुआ है, ठीक है। विद FAQ स्कीमा जो मेरा नेक्स्ट वीडियो होगा फ्रेंड्स, वो मैं डेडिकेटेडली बनाऊंगा FAQ स्कीमा और प्रोडक्ट स्कीमा, मतलब एक प्रोडक्ट पेज पे प्रोडक्ट स्कीमा और FAQ स्कीमा की मैं पूरा बताऊंगा किस तरीके से हम उसको क्रिएट करते हैं। इम्प्लीमेंटेशन के लिए मैंने आपको पहले भी बोला है कि बहुत सारे हमारे प्लगइन्स हैं वर्डप्रेस पे जो काम करते हैं स्कीमा स्ट्रक्चर वाले, आप उसके थ्रू अपना इम्प्लीमेंट कर सकते हैं, या आपकी कोडिंग वेबसाइट है तो प्लीज़ डेवलपर से कॉन्टैक्ट कर लीजिए, क्योंकि फ्रेंड्स ये थोड़ा सा ना सेंसिटिव पार्ट होता है, ये उन फाइल्स में ऐड होता है, अगर वहाँ थोड़ा भी ऊपर नीचे हो जाए तो साइट पूरी तरह डाउन भी हो सकती है। तो मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है, ये थोड़ा डेवलपिंग, अगर आप प्लगइन यूज़ कर रहे हैं तो ठीक है, प्लगइन भी ज़्यादा यूज़ करना अच्छा नहीं होता वेबसाइट का, आपका लोडिंग स्पीड बढ़ जाती है, लोडिंग टाइम बढ़ जाता है, तो जितना लाइट रखिए वेबसाइट को उतना अच्छा है, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोडक्ट और FAQ स्कीमा का कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। फिर यूज़ प्रोडक्ट स्कीमा एंड रिव्यू स्कीमा जैसे मैंने बोला, फिर है यूज़ कन्वीनियंट नेविगेशन विद ब्रेडक्रम एंड इम्प्लीमेंट ब्रेडक्रम स्कीमा, जैसे ब्रेडक्रम का मैंने वीडियो बनाया था, आप देख सकते हैं हाई बटन में, उसका आपको दिख जाएगा ब्रेडक्रम स्कीमा का डेडिकेटेड वीडियो। कहने का मतलब है फ्रेंड्स ये देखिए, होम स्मार्टफोन सैमसंग, ये एक प्रॉपर नेविगेशन है कि एक नेविगेट किया जा रहा है, होम से बंदा गया स्मार्टफोन पे, स्मार्टफोन से आया सैमसंग पे, और ये तीनों को हम ब्रेडक्रम कहेंगे। ब्रेडक्रम स्कीमा मैंने आपको बताया था, आप चेक भी कर सकते हैं, ठीक है। ब्रेडक्रम स्कीमा भी यहाँ पे इम्प्लीमेंट होगा जैसे आप होम पे चले गए, ठीक है। तो कितना स्मार्ट तरीके से उन्होंने नेविगेशन कितना स्मूथ रखा हुआ है, होम पे गए तो होम पे कहीं ना कहीं फुटर में होगा, फुटर में भी होगा, हेडर में भी पॉइंट हो सकता है, जैसे यहाँ पे फुटर में सैमसंग गलेक्सी ऐसा रखा हुआ है, मोबाइल फोन्स यहाँ पे सारे रखे हुए हैं, या तो यहाँ होगा स्मार्टफोन्स, तो इनका कहां से आ रहा है, एक मिनट रुकिए, स्मार्टफोन्स है ना, तो ये होम से ही आ रहा है कहीं ना कहीं, वरी होम पे जाके देखते हैं, होम पे कहीं ना कहीं ये हो गई बना हुआ, ये कहां है फ्रेंड्स, कहीं ना कहीं तो ये होगा, लिंक हो रहा होगा स्मार्टफोन्स का, तभी नेविगेशन हमारा बना है। जस्ट चेक करते हैं, शॉप डिवाइस एसेसरीज प्रोडक्ट होम डील्स मोबाइल ऑन डिवाइस, जस्ट अ मिनट, स्मार्टफोन तो कहीं ना कहीं तो होगा ही होगा, यहाँ दिख नहीं रहा फ्रेंड्स, लेकिन ये कहीं ना कहीं स्मार्टफोन का यहाँ पे कुछ ना कुछ तो होगा। एक बार स्मार्ट को देखते हैं कितनी बार आ रहा है, 13 बार आ रहा है, एक मिनट, ओके, कहीं ना कहीं तो फ्रेंड्स इसका यहाँ पे लिंक होगा ही होगा, ये रहा फ्रेंड्स, देखिए
ये इन्होंने फ़ोन्स का बना रखा है और इस पर हम क्लिक करेंगे तो फिर हम जाएंगे स्मार्टफोन्स में, वॉचेस टैबलेट का बना रखा है, फिर स्मार्टफोन्स में गए तो हम यहाँ पे कहाँ गए, सैमसंग गैलेक्सी S24 पे गए, इस पेज पे गए जो हमारा प्रोडक्ट पेज है जिसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। तो ये क्या होता है कि एक अच्छा स्मूथ नेविगेशन होना चाहिए और ब्रेड क्रम्स, जिस तरीके से 3 ब्रेड क्रम्स हैं इसमें जिनका स्कीमा भी होता है, और ये प्रॉपर स्मूथ नेविगेशन होना चाहिए, ठीक है। क्रॉलर्स के पॉइंट ऑफ व्यू के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद है यूज़ प्रोडक्ट सेक्शन, कस्टमर ऑल्सो व्यूड सेक्शन। फ्रेंड्स क्या होता है आपको पता होगा, जैसे हमारे कैटेगरीज पेज होते हैं वैसे हम कई बार प्रोडक्ट सेक्शन में क्या करते हैं कि लुकालाइट प्रोडक्ट क्या भी लिख देते हैं कि पीपल ऑल्सो व्यूड दिस प्रोडक्ट, इस मतलब इस मॉडल के अलावा भी हम नीचे डाल देंगे कि S20 आया होगा, S21 आया होगा, कि ये प्रोडक्ट भी लोगों ने और देखे हैं, ठीक है। या पीपल ऑल्सो व्यूड दिस और रिलेटेड प्रोडक्ट्स, कि सैमसंग से रिलेटेड प्रोडक्ट डाल दिए, इससे रिलेटेड एसेसरी डाल दी, तो वो भी हम कर सकते हैं CRO के पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे मैंने बताया कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब से, ठीक है। और उसके बाद है इन रिव्यू सेक्शन काइंडली इंक्लूड एड फोटोज वीडियो फैसिलिटी फॉर बेटर कन्वर्जन। जैसे फ्रेंड्स बोला जाता है अगर आपने अमेजोन वगैरह की साइट ओपन करी हो, मैं एक बार यहाँ पे देखता हूँ अमेजोन की साइट ओपन करके, यहाँ होगा अमेजोन का पेज जिस तरह ओपन हुआ है, गैलेक्सी स्मार्टफोन, अगर मैं इस पर्टिकुलर पेज पे जाता हूँ तो जस्ट अ मिनट, ये जो डेडिकेटेड पेज है इसका मेटा टाइटल मेटा डिस्क्रिप्शन भी एक बार देख लेते हैं क्या है, किस तरीके से इन्होंने करा हुआ है, एक और आइडिया पता चल जाएगा। सैमसंग गैलेक्सी S24 स्मार्टफोन, सैमसंग गैलेक्सी S24 5G स्मार्टफोन। फ्रेंड्स ब्रांड है तो मैं आपको आज बता रहा हूँ ये रैंक कर रहा है, अगर ये ब्रांड नहीं होता ना तो ये इट्स नॉट अ गुड SEO। 95 करेक्टर इट शुड बी 60 करेक्टर मैक्सिमम, आप खुद देख लो 95 करेक्टर, और आप देख रहे हो मिडिल टाइटल मिडिल डिस्क्रिप्शन सेम है, केवल ब्रांड बन चुका है आपका, आपका एक बिजनेस, तो इसलिए कहते हैं ना वो एक लिवरेज दे रहा है गूगल के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो ये अब मैं आपको बता रहा हूँ ना जिस तरीके से यहाँ पे वो हम उस सेक्शन की बात करते हैं कि लोग फोटो वीडियोस वगैरह ऐड करते हैं रिव्यूज़ में, तो देखिए ये रिव्यूज़ हैं हमारे, ठीक है। ये कस्टमर से द क्वालिटी एंड फीचर ऑफ सेलुलर फोन एग्जांपल दे मेंशन, ठीक है। अगर मैं ये 5-star रिव्यू पे गया, 4-star रिव्यू पे गया, 18% हमारे 4-star रिव्यू हैं इसी के लिए। ग्रेट डिस्प्ले परफॉर्मेंस बट बैटरी लाइफ नीड्स वर्क, ठीक है। ये है देखो, इन्होंने यहाँ पे फोटोज़ भी कर रखी हैं शेयर रिगार्डिंग, और कंपैरिजन भी करा हुआ है, ठीक है, इस तरीके से। तो आप फोटोज़ भी ऐड कर सकते हो, वीडियो भी ऐड कर सकते हो, और आप जिस फीचर के बारे में बता रहे हो उसके बारे में भी आप बता सकते हो कि भाई ये इश्यूज़ हैं, या ये चीज़ अच्छी है तो लोग उसे, क्योंकि क्या कई बार फ्रेंड्स कहते हैं ना कि यार ये आएगा तो इसको दिखेंगे कैसे, खुलेगा डब्बा तो किस तरीके से, फ़ोन होगा नहीं होगा, अगर किसी ने उसमें उसकी अनबॉक्सिंग का वीडियो डाल दिया या उसके बारे में बता दिया तो वो भी एक हेल्प हो जाती है कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में, ठीक है। उसके बाद है इन, ये मैंने कह दिया, फिर है लास्ट प्लेसमेंट ऑफ बटन एंड कलर ऑल्सो इम्पोर्टेंट। फ्रेंड्स ये भी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन का है, ये थोड़ा सा फ्रेंड्स अलग, मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। इसका मतलब कहने का मतलब है जो बटन्स हम यूज़ करते हैं, जैसे ये नेक्स्ट ऐप है, और भी जो अगर मैं अगर आपको बताऊँ, जैसे अमेजोन के इस पर मैं चला गया और मैं बैक करता हूँ, फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ऐड टू कार्ट बाय नाउ, कलर देख रहे हो आप, वो तो ये भी तो येलो सकता था, क्यों अलग है कलर, ठीक है। प्लेसमेंट बटन्स की, ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ये और डेप्थ में जब हम वास्ट SEO में पढ़ते हैं या चीज़ें टेक्निकल में और घुसते हैं तो इन सब चीज़ों में बहुत, जब जैसे ना अच्छी एजेंसीज में हम लोग बैठते हैं तो वहाँ सीखने को मिलता है कि भाई UI UX में, यूज़र एक्सपीरियंस में भी ये चीज़ें मैटर करती हैं कि भाई ये लेफ्ट में क्यों रखा, राइट में रखा। हम देखा ना जब न्यूज़पेपर हमारे टाइम्स में आते, जब हम लोग न्यूज़पेपर पढ़ा करते थे तो सबसे पहले नज़र जहाँ पड़ती है, एक साइकोलॉजी पे खेलते थे, तो उसके पैसे भी उस हिसाब से होते थे कि अगर आप लेफ्ट हैंड साइड पर न्यूज़ डाल रहे हो, राइट हैंड साइड पर न्यूज़ डाल रहे हैं, तो वो भी है कि ऐड टू कार्ट तो यहाँ पर भी हो सकता था, ये यहाँ पे भी हो सकता है कि प्रोडक्ट यहाँ दिखा देते और ऐड टू कार्ट यहाँ दिखा देते। तो ये सब चीज़ें हैं, ये भी कन्वर्जन रेट ऑप्टिमाइजेशन में ये सब चीज़ें भी हमारी आएंगी। तो फ्रेंड्स ये 20 पॉइंट्स थे जो मैंने आज डिस्कस करे, प्रोडक्ट पेज SEO करते समय हमें ध्यान रखने चाहिए। आई होप आपको ये चीज़ें समझ आएंगी। अगर आपको कुछ भी लगता है जो मुझसे, जो मैं से यहाँ छूट गया, जो मैंने बताया उसमें थोड़ा सा भी आपको इशू लगता है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइए। नेक्स्ट वीडियो जो डेडिकेटेड आने वाला है वो प्रोडक्ट पेज
स्कीमा और एफएक्यू स्कीमा पे बनाऊंगा, क्योंकि प्रोडक्ट पेज पे ही आपको एफएक्यू स्कीमा और इस स्कीमा की ज़रूरत पड़ती है प्रोडक्ट पेज की, तो वो डेडिकेटेड वीडियो नेक्स्ट इन्हीं पे होगा, ठीक है। तो फ्रेंड्स थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।